हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया C12 फ़ोन है, तो नोकिया C12 फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप हॉटस्पॉट QR कोड का यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे आप हॉटस्पॉट QR कोड को स्कैन करके नेटवर्क वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड का ऑप्शन है, तो उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हॉटस्पॉट QR कोड नेटवर्क को आप स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस इंटरनेट कैसे चला सकते हैं, सिंपली आपको जाना है हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग सेटिंग पे। तो सेटिंग्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। फिर आपको वाईफाई हॉटस्पॉट पे जाना है, तो वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी। जैसे अगर आपका हॉटस्पॉट ऑफ है तो उसको आपको ऑन कर लेना है, जिससे हॉटस्पॉट की नेटवर्क सेटिंग्स को आप यूज़ कर सकते हैं और हॉटस्पॉट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि जब आप स्कैनर का QR कोड स्कैनर को ओपन करते हैं, तो ओपन करके आप QR कोड को स्कैन करके नेटवर्क को किसी दूसरे डिवाइसेस में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और इससे इंटरनेट यूट्यूब चला सकते हैं किसी दूसरे डिवाइसेस में स्कैन करके, और वायरलेस इंटरनेट भी चला पाएंगे। और जैसे आपके पास ऑप्शन आता है वाईफाई, तो वाईफाई पे जाएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ से QR कोड स्कैनर को भी ओपन कर सकते हैं और स्कैनर के जरिए भी नेटवर्क को स्कैन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ऑप्शन आता है आपके पास, जैसे कोई भी नेटवर्क है आप पासवर्ड डाल के भी कनेक्ट कर पाएंगे और वायरलेस इंटरनेट को चला सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन में। तो इस तरीके से आप QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं नोकिया C12 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।